वेलकम बैक। गुफ्तगु जारी रखते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर हॉकी को स्कूल में खिलाना शुरू कर दें, ये ऐसा खेल है जिसमें इंजरी ज़्यादा हो सकती है बच्चों को, तो इसलिए उनके वालदैन भी थोड़ा ऐसे खुश होते होंगे कि क्रिकेट खेलो, उसमें इंजरीज का चांस कम है, बिकॉज हॉकी जैसा स्पोर्ट में इंजरी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसके सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम भी कैरी करते हैं अपने साथ, तो इतने की मतलब बड़ी बात नहीं है। तो आप एक बहाना बना दो उसको कि नहीं इसमें इंजरीज होती है तो हम ये नहीं खिलाते। क्रिकेट में इंजरीज नहीं होती, बहुत मेजर इंजरीज होती है, बिल्कुल इंजरीज होती है। और सबसे बात, अगर आपको हॉकी को मतलब आगे लेके जाना है, सबसे पहली बात होगी कि अगर आप बच्चों पर काम करोगे तो एक जो बड़े लड़के हैं, बड़ी लड़कियां जो इतना टाइम आपको हॉकी में देकर आई हैं, तो उनका क्या कसूर है? जब तक आप उनको फैसिलेट नहीं करोगे, उनका क्या कसूर है कि वो अपने पैसे लगा कर आ रही है? लड़कियों के पास, लड़कों के पास आने जाने की फैसिलिटी नहीं होती, उनके पास खेलने के लिए हॉकी नहीं होती, बॉल नहीं होते, वो किस तरह शूज नहीं होते, वो फटे हुए शूज पहन रहे होते हैं, उनके पास कोई चीज नहीं है। मतलब जब तक वो बच्चा क्यों आएगा, वो प्लेयर क्यों आएगा खेले, जब उसको कोई फायदा नजर नहीं आएगा, प्रमोट नहीं कोई करेगा, तो वो क्यों आएगा? जब तक आप उसकी मतलब मेजर फैसिलिटीज आपको नहीं दोगे, उसको मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट्स आप वो पूरी नहीं करोगे, तो क्यों आएगा वो बच्चा? वो तो जो अभी भी खेल रहा है वो कहेगा यार नहीं चीज छोड़ो, हमारा क्या काम है यहाँ पे आगे। जब तक कोई मतलब उसको आगे फ्यूचर नजर नहीं आएगा, हम खेलते हैं, हमें शायद अब कुछ नजर आ रहे, होप्स मिली है कि हम शायद आगे कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान को, तो हम शायद अभी खेल रहे हैं, क्या पता हम कल को ना आए, उसका कसूरवार तो फिर गवर्नमेंट है। जी, आपने इंजरी की जहाँ तक बात की, इंजरी तो मेरे ख्याल में हर स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, और जब ग्रास रूट में क्यों नहीं हो, क्योंकि उनमें अभी इतना पावर नहीं है, इतना रैश वो नहीं खेलेंगे। जब आप इतना रैश खेलते हो, स्पीड के साथ खेलते हो, तो इंजरी का ज़्यादा वो होता है। अगर आप बच्चों को अभी से खिलाओगे तो अपने आप को डिफेंड करना भी सीखेंगे। मतलब मैं 4 साल से, मुझे अल्लाह का शुक्र इतनी कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई, हाँ एंकल ट्विस्ट होता है, कुछ होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र नहीं हुआ, क्योंकि मुझे डिफेंड भी करना आता है अपने आप को। जब आप उस चीज़ में माहिर हो जाओगे तो फिर इंजरीज का ऐसा कुछ वो नहीं है कि इंजरी से माँ बाप डरे और ये करें। आप जब तक खेलोगे तो आपको ज्यादा बिल्कुल मिल जाएगा कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको पता है आपको अपना डिफेंड कैसे करना है, आपने खेलना कैसे। तो मतलब जो आप बच्चों से स्टार्ट करोगे तो आई गेस वो बहुत अच्छा टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए। मैं जब इंजरीज की बात कर रहा था, मैं उस हवाले से बात कर रहा था कि वालदैन को ये समझ रहे बच्चों में वैसे जोश होता है, एनर्जी ज्यादा होती है, कहीं हॉकी स्टिक घुमाते हुए किसी के बच्चे के मुंह पे नहीं मार दी गलती से जोश में आके, तो उस हवाले से आई थिंक वालदैन को थोड़ा डर तो होगा हॉकी अगर स्कूल में खेला जा रहा है तो। ऐसा वैसे कभी होता है कि इस तरह के इंजरीज होते हैं? नहीं, आई गेस ऐसा कभी नहीं हो, मैंने अभी तक किसी ने से कि बच्चे ने हॉकी से दे मारा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोचेस खड़े होते हैं आपके साथ, टीचर्स होते हैं स्कूल्स में, हमेशा पीटी टीचर का काम है वो बच्चों को वो करे। ऐसे तो आप देखिए स्विमिंग करते हुए बच्चा डूब गया स्कूल में ही, तो आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी भी स्पोर्ट्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते। तो आई गेस कि हर किसी को अपनी नज़र में रखें, टीचर्स का बनता है कि वो देखें, ध्यान करें, एक टीचर से हैंडल नहीं होता, आप दो टीचर्स कर लो, टीम में डिवाइड कर लो बच्चों को, लेकिन आई गेस कि किसी भी रीज़न से इसको स्टॉप नहीं करना चाहिए, हर बंदे को काम करना चाहिए कोई भी स्पोर्ट्स हो। और कहते हैं कि अगर बच्चा किसी भी स्पोर्ट्स में चला जाए तो वो बहुत 10 बुरी चीज़ों से बचता है, आपका एनवायरनमेंट साफ रहता है, बच्चा शाम में थक के घर जाके सो जाता है, वो 10 बुरी चीजों से बचता है। अब हम लोग भी खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, घर जब हम घर पहुंचते तकरीबन 7:30, हमें इतनी ताकत नहीं होती हम कि कुछ और काम करें, तो ये है कि हम 10 चीजों से बच रहे हैं। तो इससे अच्छा है माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल दें, बाहर गलियों में बैठने से क्या फायदा है, ये जो बच्चे फिर रहे होते हैं क्या फायदा है सब चीजों से। और जहां तक आपने इंजरी का पूछा, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है जरूर कि वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए स्पोर्ट्स कार्ड बनाए। उससे क्या होगा कि जिस बच्चे को भी इंजरी हो वो अपना कार्ड ले जाके अस्पताल में दिखाए कि उसको पहले देखे। ये होना चाहिए कि इमरजेंसी प्रायोरिटी रखनी चाहिए प्लेयर्स को, प्लेयर्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर इंजरी सिवियर भी हो सकती है, कभी किसी की आंख पे लग जाता है, नाक पे, कोई भी स्पोर्ट्स हो, ये आपके क्रिकेट सेफ है, क्रिकेट में बॉल आती है, कॉकी बॉल होती है, आपकी उंगली टूट जाती है, तो आपको प्रायोरिटी बेस पे देखा जाए बिल्कुल। मैं हमें प्लेयर्स के लिए उनकी नेशनलिटी होनी चाहिए, कार्ड होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि आप लोग के लिए केएच है, आपको जो माशी मसाइल फेस करने पड़ते हैं उसके लिए केएच आप लोग के लिए कुछ करता है? देखिए माशी मसाइल तो हर जगह है, जहाँ आप खेल रहे हो, आप जा रहे हो, हर जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें मेन इश्यू आता है वो है हमारा आने जाने का मसला। हम किसी के, लड़कियां बहुत दूर से आती हैं, लड़के बहुत दूर दूर से आते हैं, उनको नहीं पता वो कब आएंगे, कब काफी दफा होता है किसी को बस नहीं मिली तो वो लेट हो गया, उसका मैच निकल गया। सबसे ज्यादा मसला ये होता है, आने जाने का मसला, उन चीज़ों का मसला। तो एक बहुत बड़ा एक मेजर इशू है कि जब तक आप उसको नहीं देखोगे तो आप मतलब ये चीज तो चलती रहेगी, जब तक आप कोई हाईलाइट नहीं करेगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो चीज चलती रहेगी हमेशा की तरह। आपके घर वाले आपको कब तक सपोर्ट करेंगे?
वो तो एग्जाम तो कहेंगे आप क्या लेकर आ रहे हो घर, आप घर जा रहे हो, घर से निकल रहे हो, तो उनके भी बहुत होप्स हैं। वो कब तक आपको कहेंगे चलो आप जाओ, आप फॉरी करो, आप घर आ जाओ, उनका क्या जा रहा है? मतलब हम तो अपना नुकसान कर रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। तो जब तक इस चीज को माशी मसाइल सबसे मेन है कि आप जब तक आपको फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक हमारा डिपार्टमेंट था हमारी मंथली पे हो रही थी, अब वो रुक गया, मतलब आई डोंट नो किस रीजन से रुका, क्या हुआ, रिन्यू नहीं हो पा रहा, तो सबको वही मेजर्स आ रहे हैं दोबारा, की सारी प्रॉब्लम वही दोबारा क्रिएट होती जाती है। अच्छा, ऐसा अगर हम देखते हैं तो क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनको आई थिंक सैलरी भी ज्यादा होती है, कैश प्राइजेस भी उनको ज्यादा मिलती है, तो उस हवाले से आप लोगों को क्या लगता है कितना फर्क है जितना क्रिकेट में कैश प्राइज होता है और जितना हॉकी में? मेजर डिफरेंस तो टॉप टू बॉटम है, मतलब कि क्रिकेट की आप बात करो तो हॉकी की आप बात छोड़ी दो, आप नेशनल टीम की बात करें, हाँ बिल्कुल नेशनल टीम की बात करें, लेकिन आप नेशनल टीम की वही बात है ना, मैंने आपको कहा कि मैं क्रिकेट के नेशनल प्लेयर्स को जानती हूँ, मैं हॉकी के प्लेयर्स को नहीं जानती, क्योंकि वहाँ इतना सपोर्ट है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं कोई काम करने की, किसी और मतलब किसी और फील्ड में जाए या साइड लाइन करके वो कोई और अपना काम करे, उनको कोई जरूरत ही नहीं है, उनको इतना पैसा मिल रहा है, उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है, उनको क्या जरूरत है, मेडिकल मिल रही है, हाउसिंग अप्लायंसेस सब मिल रहे हैं उनको, तो किसी चीज की उनको जरूरत ही नहीं है, हम क्या करें, हम किससे जाके कंप्लेन करें कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। वही बात है ना कि हम बात करें इसके थ्रू, हम आगे बात करें कोई हमें सपोर्ट करने आए, क्योंकि टैलेंट बहुत है, कोई आगे देखे तो सही। माशी मसाई का सबसे मेन जैसे दुआ ने हाईलाइट किया कन्वेंस का, कन्वेंस का बहुत प्रॉब्लम होता है। अब जैसे हमारे यहाँ एक लड़की है हुमा, वो आप यकीन नहीं करेंगे, वो हब से आती हैं, डेली आती हैं, तो KHF उसको अपना पर्सनल प्राइवेट पे करता है। ये चीज PHF को करनी चाहिए, PHF को अपने फंड्स डिवाइड करने चाहिए। वुमेन का अगर फंड है तो वो वुमेन को पता होना चाहिए, प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि हम क्लेम कर सकें। जैसे अभी अगर मुझसे पूछें कि वुमेन का कितना फंड देती है सिंध, आई डोंट नो कितना देती है, मुझे जब पता ही नहीं तो मैं क्लेम क्या करूं। जैसे हमारे लेबर लॉ में होता है कि भाई मिनिमम सैलरी हर बंदे की इतनी होनी चाहिए, ऐसे ही लॉ हमारे हॉकी में क्यों नहीं है? हर प्लेयर जो आता है आप उसको रजिस्टर करो, अगर कुछ नहीं तो भाई आप उसको 500 मंथली, 1000 रुपीज मंथली। अब आप मुझे बताएं 500 या 1000 कुछ मायने रखता होगा इन एसोसिएशन वगैरह के आगे? नहीं। चलो आपको पता है कि डिजर्विंग नहीं है और एक डिजर्विंग होता है, जो थोड़े सही बैकग्राउंड से आप उन्हें नहीं दो ठीक है, वो समझ जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल ही छोटे घर से आ रही है या बहुत दूर से आ रही है आप उसको तो सपोर्ट करो, एटलीस्ट आप उसको सपोर्ट करोगे तो उसके माँ बाप उसको भेजेंगे। अब जो बच्ची हुमा आती है उसको हम दे रहे हैं, अपने प्राइवेट पॉकेट से दे रहे हैं 200, तो वो आ रही है ना, वरना आप मुझे बताएं क्यों उसके बाप भेजेगा इतनी दूर से? या तो उसके बाप को बहुत ही जुनून होगा, जोश होगा, या पता होगा उसकी बेटी आगे जाएगी तभी वो कर रहा है ना। तो मेरे ख्याल में हर किसी को यहाँ पे मिलजुल के काम करना चाहिए, और PHA से बहुत ही रिक्वेस्ट है कि वो अगर हमारे फंड्स हैं तो हमें बताए, उनको प्रॉपर जगह पे लगाए। और माशी में सबसे पहले हमारा कन्वेंस का आता है, फिर हमारे इक्विपमेंट्स का आता है। आपको पता है एक हॉकी, नॉर्मल हॉकी 7000 की होती है, कोई बंदा अफोर्ड कर सकेगा? या जो नया बंदा आया है, जो नया प्लेयर आया, क्या उसके माँ बाप उसको 7000 की हॉकी दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे, वो कहेंगे तुम्हारा अभी का शौक होगा, कल को तुम छोड़ दोगे, क्या करोगे तुम इस हॉकी का? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्राइवेट फंड्स चाहिए, स्पॉन्सर्स करें आके, जो इतनी कंपनीज हैं हमारे माशाल्लाह, ऐसा तो नहीं कि हमारा मुल्क बिल्कुल ही गरीब मुल्क हो, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो बहुत हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, तो प्लीज सब आगे बढ़े, आके स्पॉन्सर करें, इक्विपमेंट्स दें। गोलकीपर की किट हमारी 3 लाख की होती है। अभी जो हमारी गोलकीपर है उन्होंने अपने पर्सनल लोन, अपने पर्सनल पैसों से खरीदी। क्यों उसको खरीदनी पड़ी? क्योंकि उसका जोश था। और आप इतना फेल हो गए हो, मैं कहूँगी हमारा डिपार्टमेंट, हमारी हॉकी इतनी फेल है कि एक बंदे को वो किट प्रोवाइड नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? आपको करनी चाहिए थी ना, और उस बच्चे में पोटेंशियल भी है, आपको पता है वो खेल सकती है, लेकिन फिर भी आपने उसको किट नहीं दी। अगर किट नहीं दी तो वो क्या करेगी आके? तो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स, बेसिक नेसेसिटी आपकी इक्विपमेंट्स। फिर होता है कि डाइट का, कि अगर आप खेलने आ रहे हो तो आपको एटलीस्ट पानी मिले, जूस मिले, ORS मिले, ये सारी चीजें में हमें हर प्लेयर की नेसेसिटी होती है। और जैसे आपको पता है कितनी गर्मी होती है, तो एटलीस्ट इतना हो कि भाई अगर 100 बच्चे हमारे ग्राउंड में है तो 100 बच्चे को आप अच्छा पानी पिला सको, अच्छा जूस पिला सको। KHA ने ये सब हमें सिंध ने वाकई में किया है, हमारे लिए सिंध ने काफी फंड दिया, अभी हमारे ग्राउंड में उलमा हनीफ खान, डॉक्टर जुनेद अली शाह में फ्लड लाइट्स लगी है, सिंध ने दिया है बजट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिया है। लेकिन अगर
100 में से मैं कहूँ तो 70% इन लोगों का पर्सनल होगा, 30% गवर्नमेंट की तरफ से होगा. तो ये रेशियो अलग होना चाहिए, 70% गवर्नमेंट सपोर्ट करे, 30% जो भाई मैं कैसे कहूँगी, जैसे मेरा बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, मैं दिल चाहता है कि मैं जितना पैसा मैं लगा दूं, ऐसे और भी लोग होंगे वो प्लीज आए और सपोर्ट करें अपने स्पोर्ट्स को. अच्छा, आप फंड्स की जब बात कर रही हैं, तो जब फंड्स की फरामी होती है तो आप लोगों को वो इस्तेमाल होती भी नहीं दिखती है विमेंस हॉकी में, इक्विपमेंट के हवाले से या ट्रेनिंग के हवाले से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. गवर्नमेंट की फंडिंग आप लोग खुद करते हैं? बिल्कुल, मैंने आज तक सारी हॉकी खुद खरीदी होगी. हमें इतना तो बताओ कि वो लगते कहाँ हैं, वो जाते कहाँ हैं, हमें तो नहीं नजर आता. आप लोगों को नहीं पता था कि फंड्स? बिल्कुल नहीं, हमें हमारी नॉलेज में नहीं होता कि फंड्स आ भी रहे हैं. चले हमें नहीं बताएं, काम करते हुए नजर आना चाहिए कि हम पे इतना काम हो रहा है, हमें इतना सपोर्ट किया जा रहा है कि हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो वो पूरी हो जाती है. हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं, हमें नीड ही नहीं है, हम किसी को जाके कहें हमारे पर तो कोई काम नहीं हो रहा, हम किससे जाके कहें, कोई तो काम करने वाला है. जब आप फंड्स दे रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, आपके अपने अकाउंट में जा रहे हैं, आपकी अपनी पर्सनल नीड्स वो पूरी हो रही है, हमारे पर तो कोई काम नहीं हो रहा. सबसे मेन पॉइंट तो ये, अगर फंड्स गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद स्पोर्ट्समैन है, वो जानते हैं सारी नेसेसिटीज क्या है और क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या कुछ होता है, क्योंकि उनके टाइम पे स्पोर्ट्स एक बहुत लेवल पे था. हॉकी भी वो जानते होंगे किस नई लेवल पे हॉकी चलती रही है. तो हमारी जब हॉकी पहले रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में थी, आई थिंक 7 नंबर पे थी, अब वो रैंकिंग कुछ नहीं है. इसी वजह से कि सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सब पीछे जा गई है, चली गई है, और अब पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है. जो आ रहे लगाते जो अपने ऊपर, और छोड़ दो यार, वो बच्चे आ रहे हैं, जाए इंक्वायरी करें, अपने घर चले जाए. सर ये चल रहा है. तो इसके अलावा वैसे काफी बड़े इशू है ये कि आप लोगों को अपना इक्विपमेंट खुद लेना पड़ रहा है. बिल्कुल, इक्विपमेंट के अलावा अगर ये ट्रांसपोर्टेशन का हल कर दें मसला, मतलब कि वैन्स दें, स्कूल वैन्स भी होती हैं, ऐसे वैन्स हों, पॉइंट्स कर दो. मैं आप नहीं कह रही आप हर किसी को घर से जाके पिक करो, आप एक कॉमन पॉइंट बना दो. जैसे हम लोग सब नॉर्थ के एरिया से आते हैं, अब जिसके पास गाड़ी है उसने कहा चलो भाई तुम यहाँ आ जाना, हमने एक पॉइंट बना लिया, 4-5 को लेके हम खुद आ गए. अब जैसे कहीं हमारा टूर्नामेंट हो, हमें जाना, हम अपने खुद कन्वेंस से जाते हैं, पर्सनल कन्वेंस. अगर हमें जाना होता है एडी ग्राउंड पे, जैसे हमारा नेशनल स्टेडियम है, वहां हमें कोई टूर्नामेंट हो या हमारे ट्रायल्स हो, हम लड़कियां खुद पहुंचती हैं. क्यों ऐसा होता है? लड़कों का क्रिकेट में तो कभी नहीं होता, उनकी तो बड़ी बड़ी वैन चलती है, उन्हें पिकअप किया जाता है या उन्हें बोल दिया जाता है भाई आप नेशनल स्टेडियम आ जाओ. कोस्टर्स आती हैं, देखा होगा आपने, कोस्टर्स आते हैं उन्हें पिकअप करते. क्यों हॉकी में क्यों नहीं है? मैं यहाँ पे लड़की या लड़के का फर्क नहीं कर रही, लड़के भी बेचारे आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें माँ बाप छोड़ने आते हैं, तो उनको भी वैन फैसिलिटीज देनी चाहिए. कन्वेंस ट्रांसपोर्टेशन का में हमें बहुत बड़ा है. और जैसे आजकल के हालात का आपको पता है हमारे मुल्क में सेफ्टी 0% हुई है. तो जो भी मसला है उसमें मैं खैर मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट को, PHF, KHF सबको अपनी यूनिटी दिखानी चाहिए. प्लेयर हर किसी का है, अगर प्लेयर बन गया तो वो आपके पाकिस्तान के लिए खेलेगा, आपके लिए नहीं खेलेगा. तो एटलीस्ट अपना पाकिस्तानी होने का सबूत दें और सबको हेल्प करें. आप लोगों को लगता है कि हॉकी में फेवरेटिज्म होती है? आप लोग अपनी टीम की बात करें, आपको लगता है आपकी टीम में फेवरेटिज्म होती है? कोच का बेटा या उसका कजन या चाचा का बेटा हो जाए कोई, तो उसको वो पोजीशन मिल रही है जो कोई और प्लेयर ज्यादा डिजर्विंग है जिसकी? बिल्कुल फेवरेटिज्म का इशू होता है, काफी होता है बल्कि फेवरेटिज्म. अगर आप देना चाहती हैं, अगर ऐसा नोट करना बुरी बात हो जाएगी, नाम लेने की आपको जरूरत नहीं. तो हम लोग अपने स्कूल टाइम देखते रहे ना, क्लास में टीचर का फेवरेट स्टूडेंट तो ऑब्वियसली पहले चेक होगी, उसको मार्क्स अच्छे दिए जाएंगे. हॉकी में भी मतलब जहाँ तक मैंने स्टार्ट किया हॉकी मैच देखा है, तो टीम से मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन मैं कोई बात हाईलाइट नहीं करूंगी. लेकिन मैंने देखा जरूर है कि यार हम जब ट्रेड्स में जाते हैं नॉर्मली, तो हमें कोई पूछने वाला नहीं होता. बिल्कुल, हम बैठे होते हैं धूप में बैठे होते हैं, कोई पानी प्रोवाइड नहीं करता हमें. आते हैं लड़कियां कुछ स्पेसिफिक होती है, लड़के बहुत स्पेसिफिक होते हैं, आएंगे शायद वो ट्रायल्स में नहीं देते, वो टीम्स में होते हैं. मतलब हम भी नजर आता है, लेकिन कोई मतलब कि मेजर नहीं है, कोई बड़ा देखने वाला नहीं है, कोई देखे नोट करे यार ये क्यों हो सकता है, कैसे हुआ. मतलब हम आए, अगर हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम शायद इतने ओलंपियन वाली फैमिली से बिलोंग नहीं करते कि मेरे पापा कुछ नहीं है, मेरी मामा कुछ नहीं है, मेरे दादा कुछ नहीं रहे, तो मतलब कि हमारा कोई हक नहीं है. मेरा या किसी और लड़की का, लड़की का हक नहीं है. आप चाहो अपनी फैमिली की, उसका बेटा यार वो खालू उसके वो है तो वो टीम में आ गया, उसके पाकिस्तान टीम के कोच है तो उनके बेटे उस टीम में होंगे. मतलब कि शायद वो हक मेरा भी हो सकता है, वो हक किसी और का भी हो सकता है. आप ये चीज नोटिस करो कि मतलब किसी का हक नहीं खाओ यहाँ पे, ये चीज बहुत है. चले जी, गुफ्तगु जारी रखेंगे, इधर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक. जी व्यूअर्स, वेलकम बैक.
एक बहुत सेंसिटिव इशू है और वो ये है कि आपकी एक गोजी को धोती थी सैयदा सादिया नाम की, उन्होंने अपने कोच पे हरासमेंट का चार्ज लगाया था। बीइंग विमेन हॉकी प्लेयर्स, आप लोग को इस तरह की कोई मुश्किलात का अभी तक सामना करना पड़ा है, और अगर करना पड़ा है तो आप लोग किसी तरह की बात कर सकते हैं ताकि उसको कोई आशंका नहीं। देखिए मलाज भी, अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूं इस बारे में, तो मुझे 3 साल हो गए हॉकी में और मैंने जहाँ हॉकी स्टार्ट किया और अब तक जितना मैंने टाइम देखा तो मैंने ये चीज बिल्कुल नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेटिस्फाइड विद माय ग्राउंड, विद माय कोचेस, विद माय मैनेजर्स, लाइक विद एवरीबॉडी, वे टीम। वहाँ लड़के होते हैं, हम लड़कों के साथ खेलते हैं, हम लोग मिक्स होकर टीम्स खेलते हैं, हमारा रेगुलर बेसिस पे मैच होता है, हम लोग मिक्स होकर खेलते हैं, हमें कोई सेफ्टी इश्यूज नहीं है वहाँ पे। लेकिन जहाँ तक आपने सैयदा सादिया की बात की, तो मुझे जहाँ तक आइडिया है वो अब किसी डिपार्टमेंट में खेल रहे हैं, तो मतलब कि शायद इनका धुआं, आई डोंट नो, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन ये चीज हमने पहले बहुत सुनी है कि अगर आप उसकी आपको टीम में जाना है तो आपको फ्रेंडशिप करनी जरूरी है। अच्छा। आपको कोच का फ्रेंड होना जरूरी है, आपकी बात होनी चाहिए, लेकिन जब भी आप टीम में आ पाओगे, ये चीज हमने सुनी बहुत है लेकिन हमने कभी फेस नहीं किया। लेकिन ये डेफिनेटली सुना है, मतलब होता है कि चलो फ्रेंडशिप नहीं तो आपको अपने इस कोच के साथ, अपने सीनियर के साथ डिनर करने होंगे। मेरी कानों सुनी बात है, आंखों देखी नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी कि ऐसा होता है, और अगर सैयदा सादिया ने बोला है तो वाकई में हुआ होगा। लेकिन हुआ होगा या नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कंप्लेन की तो उसका आउटकम क्या हुआ, जिसका उन्होंने नाम लिया, क्या उस पर बैन लगा, क्या किसी ने इस चीज को कुरेदा देखा, क्या किसी ने लड़कियों से जाके पूछा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब अगर लड़की जाके बोल रही है, इतना बड़ा मेरे ख्याल में कोई लड़की बोल रही तो डेफिनेटली 100% हुआ होगा, तो जाके उसकी कुछ हिम्मत बनी होगी। ठीक है, मैं तो कहती हूँ लड़कियों को इतना बोल्ड होना चाहिए कि वो फर्स्ट इंस्टेंस पे ही उसको शटअप कॉल दें, लेकिन ठीक है काफी लड़के डर जाती हैं, हमारा टीम से नाम ना कट जाए, हम खेल भी पाए ना खेल पाए, क्योंकि फेवरेटिज्म इतना उरूज पे है तो हर लड़की दबी दबी सह लेती है, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा बात सैयदा सादिया की, तो मैं कहती हूँ कि क्या रिजल्ट निकला उसका, कुछ भी नहीं निकला। अच्छा, कोई रिजल्ट नहीं आया, आई डोंट थिंक सो कि कोई निकला। अगर बहुत केसेस हुए होंगे, बहुत सारे केसेस होंगे, एक नाम तो नहीं है ये सादिया का, तो बात वही है ना कि आप इसका आउटकम लो, आप उस पर नोटिस तो लो, कोई लड़की कभी अपनी इज्जत खराब नहीं करेगी, किसी का नाम नहीं लेगी ऐसे जाके, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हमने सुने हैं कि मतलब जिसने ऐसी ऐसी बात की, मतलब वो छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन वो लड़की गलत है। बिल्कुल, डिनर्स की ऑफर्स होती हैं, डिनर्स पे आप चल लो, आप टीम में आ जाओगे, आप हमारे साथ टूर कर लो, आप टीम में आ जाओगे, अरे क्यों, आपका प्लेयर खेल रहा है, आप उसको सपोर्ट करो, अगर उसमें टैलेंट ही नहीं है तो आप मत सपोर्ट करो। मैं कहती हूँ कि आप किसी बाहर के बंदे को लाके खेल लो, उसमें अगर टैलेंट है, आपको लगता है वो कर सकता है, तो आप उसको सपोर्ट करो, फिर आप फेवरेटिज्म करो। फेवरेटिज्म एज अ पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, आप किसी को बिल्कुल ही नीचे से उठा के ले आओ या कहीं और से ले आओ, मतलब अगर आप फेवरेटिज्म में टीम में कहें तो ठीक है रहने दे। यहाँ पे फेवरेटिज्म तो सिंध और कराची में भी होती है, कराची को सिंध का हिस्सा ही नहीं माना जाता। अगर हम किसी सिंध के ट्रायल्स में चले जाएं और कुछ हो जाए तो हमें कह देते हैं ये केचे की लड़की है, अरे केचे की लड़की है तो क्या हुआ, खेलते तो है ना, आप हमें यहाँ हॉकी पे जज करने आए हो या आप हमारे घर बैकग्राउंड जज करने आओ या हम किस क्लब में खेलते हैं किसके साथ खेलते हैं ये जज करने आए हो, मतलब ट्रायल्स में ऐसे ही होता है। वो कह आपने हमारे खिलाफ इंटरव्यू दिया था, अरे हम आपको नहीं लेंगे। जो लड़की टीवी पे नहीं आई, हमारे साथ काफी दफा ऐसा हो चुका है, तो हमने एक दफा मीडिया में आके बोला कि हमें ट्रायल्स का टाइम कुछ और दिया गया था और ट्रायल्स हो गए कुछ किसी और टाइम पे, तो हमने काफी एक्शन लिया। अगर भाई लेना पड़ता है एक्शन, कब तक बर्दाश्त करे आखिर इंसान, तो हमने बोला। तो हमारे जो कुछ है मैम्स हैं पुरानी सीनियर, उन्होंने दूसरी लड़कियों को कॉल की कि आप टीवी पे नहीं आई थी ना, हम आपको ले लेंगे। ऐसा बहुत होता है। और अभी इनफेक्ट हम लास्ट जब खेलने गए थे नेशनल्स, तो उसमें भी यही हुआ था कि लड़कियां आपस में लड़ गई थी, सिंध की लड़कियां आपस में लड़ गई थी, मतलब हम उनसे लड़ रहे हैं वो हमसे लड़ रही हैं, कि हम कहें हम किसको बोले, क्योंकि वहां के जो कोचेस मैनेजर्स थे वो उनके बड़े थे जो लड़कियां वहां से आई थी, हमें कहा यार ये तो लड़कियां हैं, 2-3 लड़के ले लो इनकी और बाकी लड़कियां भी डाल दो, मतलब कि पूरा मैच हम किस पोटेंशियल से गए थे, हमको रिप्रेजेंट सिंध को करना था और हम उसी मैच में ग्राउंड की फील्ड पे हम लड़ रहे थे खड़े।
तो फेवरेटिज्म आई गेस अगर पॉजिटिव वे में ले तो बहुत अच्छा होता है. प्लेयर को क्या चाहिए होता है, इनकरेजमेंट चाहिए होती है. अगर प्लेयर डिसहार्ट हो जाए, अगर किसी ओलंपियन से भी बदतमीजी करके उसको डिसहार्ट करके ग्राउंड में उतारा तो आई गेस नहीं खेल पाएगा. तो प्लेयर के लिए सब कुछ क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव माइंड, इनकरेजमेंट, और आप उसको सपोर्ट करो बस. और अगर यही चीजें नहीं मिलेंगी तो आई गेस किसी से भी आप कुछ कर लो कुछ नहीं हो सकता. ये वैसे आप लोग ने फेवरेटिज्म पे एक बड़ा पॉजिटिव व्यू दिया है, बड़ी खुशी हुई है सुन के. अच्छा प्लेयर्स, मैंने आखिरी सवाल आपसे. हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसमें एक मूवी निकली थी जिसमें उन लोगों ने विमेंस हॉकी टीम को प्रमोट किया था, ठीक है ना. उस टाइम प्रीटी श्योर व्यूअरशिप भी बड़ी होगी, लोगों की मालूमात भी बड़ी होगी, उसकी पॉपुलैरिटी भी बड़ी होगी. आपको लगता है कि अगर हम ऐसा कुछ करें तो विमेंस की हॉकी टीम की जो व्यूअरशिप और पॉपुलैरिटी है वो इस मुल्क पे बढ़ सकती है? डेफिनेटली बढ़ सकती है. वुमेन की भी क्या, मेन की भी बढ़ सकती है. जैसे पड़ोसी मुल्क ने बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं और हर स्पोर्ट्स को मैं कहूंगी उन्होंने कैटेगराइज कर करके प्रमोट किया है. चाहे उनकी मैं कोई भी नाम हो, कुश्ती हो जाए, स्पोर्ट्स हो जाए, क्रिकेट हो जाए, हॉकी हो जाए, हर चीज को उन्होंने किया. तो हमारी मीडिया को, हमारे जो ये ड्रामे आते हैं, बिल्कुल ही मैं कहूंगी बिल्कुल ही आजकल तो जीरो लेवल ड्रामे चल रहे हैं. क्या कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं कुछ पता नहीं. हर चीज में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है हमारे मीडिया में, तो इस चीज को वो पॉजिटिव वे में क्यों नहीं करते. अगर आप बनाते हैं, आई गेस एक जीत बनाता ड्रामा, वो उनका क्या नाम था जो फास्टेस्ट रनर बनी थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी. हाँ, जो ऐसी बनी थी, सॉरी जीत ड्रामा बना था ओलंपियन समीर हुसैन पे बना था. तो इस तरीके से अगर छोटा वो बना सकते हैं तो ऐसे बड़े भी बनाए. और हमारे जो ओलंपियन हनीफ खान है, ओलंपियन समीउल्लाह खान है, इनको हम फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता था. क्यों कहा जाता, क्योंकि उनकी स्पीड थी. दो भाई थे, कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह. रेडियो पे हमारी अम्मी बताते हैं कि आता था कि बॉल गई कलीमुल्लाह के पास, सब गई सलीमुल्लाह के पास, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह. ये ऐसी चीजें होती थी. तो आप इन्हीं पॉइंट से आगे करो ताकि बच्चों में, व्यूअर्स में इंटरेस्ट डेवलप हो. अगर इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ही वो आगे बढ़ेंगे. और मेरे ख्याल में फिल्म ड्रामे बहुत अच्छा साइन है, बहुत पॉजिटिव वे में व्यूअर्स की बढ़ा सकते हैं, व्यूअरशिप बढ़ाए अपनी. इसी तरीके से बच्चे आएंगे, देखेंगे, कहेंगे अगर ये क्या. बच्चे घर में, अभी जब हमारा लॉकडाउन में हमने अपना शुरू किया था ऑनलाइन ट्रेनिंग का, तो बहुत सारे ऐसे थे जो प्लेयर्स नहीं थे, उन्होंने हॉकी उठा के घर में डंडा बॉल उठा के शुरू कर दी थी. तो ऐसे ऐसे इंटरेस्ट डेवलप होता है. और मैं कहती हूँ कि जो पड़ोसी मुल्क कर सकते हैं तो हम किसी से पीछे नहीं है. और हमारे ड्रामे अब तो पिक्चर क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, हर चीज इतनी अच्छी हो गई है. हर मूवीज में भी हम उन्हें टक्कर देने लग गए हैं. हमारी मूवीज भी बहुत ज्यादा आगे तक जाती हैं. तो मैं कहती हूँ करना चाहिए, ये स्टेप भी उठा लें ताकि प्रमोट हो. देखिए मैं जैसे ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं मीडिया को ज्यादा जानती हूँ. और मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से आप कुछ भी रेस कर सकते हो. चाहे आपकी मीडिया हो, आपकी चैनल्स हो, आपकी लाइक फिल्म इंडस्ट्री हो, मीडिया इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, यहाँ से आप बहुत एक छोटी बात को भी बड़ी बात बना सकते हो आपको प्रमोट करके. जस्ट सर्दी इंडिया के बाद मेरे ख्याल से एक और फिल्म आई थी इंडिया की, जो पंजाबी कोई प्लेयर थे उनकी भी फिल्म आई थी, वो भी बहुत चली है. उसके बाद भी हॉकी बहुत प्रमोट हुई. इनफैक्ट मैंने भी 3-4 दफा देख ली वो मूवी. तो अगर आप इन बाकी चीजों में, हम बहुत कॉपी करते हैं बाकी कंट्रीज की, बाकी कल्चर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बाकी चीजें कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये चीज कॉपी क्यों नहीं करते. इनफैक्ट वी आर ऑनर्ड कि आपने आज हमें बुलाया और आप हॉकी के बारे में बात कर रहे हैं. शायद कभी हम कभी गए नहीं, कभी हमने किसी के बारे में बात नहीं की. हम यहाँ बैठे हैं, हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट टाइम कि हम ये बात कर रहे हैं और हमें मजा आ रहा है बात करने में. हम शायद कभी बात ही नहीं करी है. मगर अभी हम बात ही कर रहे थे तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि कितनी शर्म की बात भी है कि हम इतने साल से खेल रहे हैं और हमें अपने नेशनल टीम के प्लेयर्स का नहीं पता. आज मेरा गजा के सबसे पहला यही काम होगा, अपने नेशनल प्लेयर्स को देखेंगे. मतलब आप ये देखे ना कि हम खेल रहे हैं और हमें ही नहीं पता. तो इसमें मीडिया को मैं कहूंगी प्लीज मीडिया आगे आए और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे प्लेयर्स को कि वो आए अपनी बता सके किस किस चीज में वो लैक करे. क्योंकि जब आप खड़े होते हो उस ग्राउंड में आपको ज्यादा अंदाजा होता है कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है. और मेरे ख्याल में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज वो हॉकी को थोड़ा सा सीरियस ले लें और उस पर काम करें. और जो भी वो कर सकते हैं बेटर वे में, वो प्लेयर हैं, वो ज्यादा प्लेयर की जिंदगी को जानते होंगे क्या करना चाहिए कैसे नहीं चाहिए. और मैं हमें सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन, इन सबको इनिशियल बेसिस पे सही किया जाए. ठीक है, चलिए प्लेयर्स, थैंक यू सो मच. आप लोग ने हमारे लिए टाइम निकाला, आप लोग से गुफ्तगू करने में बड़ा मजा आया.
थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्यूटी जी का कि आपने हमें बुलाया और हम उम्मीद करते हैं आपको इनवाइट भी करते हैं, आप एक दिन आए हमारे ग्राउंड पे, यहीं पे ओलंपियन हनीफ खान नीपा ब्रिज के नीचे है, आप आए और हमारे साथ डे स्पेंड करें एक दिन हॉकी प्लेयर के साथ, खेले भी जरूर हमारे साथ, खेलते हैं थैंक यू सो मच। चलिए जी शो का इख्तिताम करते हैं, हमारे गेस्ट से बात करने में हमें बहुत मजा आया, दोबारा मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।